लखनऊ जुड़ी बड़ी खबर है, दरअसल शिक्षा विभाग जुड़ी बड़ी खबर है। ऑनलाइन हाजिरी का आदेश स्थगित कर दिया गया, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बेसिक शिक्षकों की को लगानी थी डिजिटल हाजिरी, अग्रिम आदेश तक शासनादेश स्थगित किया गया है। प्रदेश भर में शिक्षक कर रहे थे इस ऑनलाइन हाजिरी का विरोध, काली पट्टी बांधकर स्कूल आ रहे थे टीचर। इन सब के बीच कुछ जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश भी दिया था, लेकिन इन सब के बीच खबर अब यह है कि डिजिटल हाजिरी पर पाबंदी लगा दी गई है। डिजिटल हाजिरी अब नहीं लगाने के लिए बात दोगे शिक्षक, ये फिलहाल खबर आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है। मयूर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ जुड़ रहे हैं। मयूर, सरकार ऐसे झुक क्यों गई, विभाग कैसे झुक गया? ना बिल्कुल, देखिए 8 जुलाई से जो उत्तर प्रदेश के जितने में शिक्षक हैं उनके लिए आदेश जारी हुआ था कि वो डिजिटल अटेंडेंस लगाएंगे, यानी कि जो टैबलेट शिक्षकों को कर्मचारियों को दिए गए थे वो जाएंगे और उनका फेस डिटेक्शन से उनका अटेंडेंस लगेगा, लेकिन फिलहाल उसको स्थगित करने की जो सूत्रों के हवाले से सूचना आ रही, हालांकि कुछ देर में विभाग की तरफ से इसका लेटर भी जारी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश भर में शिक्षकों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, अलग अलग संगठनों संघ के जो लोग थे उन्होंने काली पट्टी बांधकर इसका जो है विरोध किया था कि वो इस तरीके से अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, और अभी तक किसी भी शिक्षक ने अटेंडेंस लगाई भी नहीं थी। शिक्षक क्लास में काली पट्टी बांधकर पढ़ाई करवा रहे थे और एक्स पर और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इसको रिट्वीट किया गया, रिपोस्ट किया गया और लगातार जो सोशल मीडिया पर इसको लेकर मांग उठ रही थी कि ये रद्द होना चाहिए, तो इन सब तमाम सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं बैकफुट पर विभाग जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी लेटर जारी नहीं हुआ है, हम इसे कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमारे